योगी की सरकार ने कहा कि अब हम जो जायदाद का नुकसान हुआ उन लोगों से हम पैसे लेंगे कि आपको पैसे भरना है। कानून हमारे मुल्क में वो कानून है डैमेज प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, वो कानून इस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, जितनी जायदाद का नुकसान हुआ कितने का? 14 लाख का। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए मान लिए कि मुसलमानों ने गड़बड़ की, 14 लाख का नुकसान हुआ, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो 1984 में इंदिरा गांधी ने बनाया वो उस पर अप्लाई होता नहीं होता? और आप ये भी बता दो वजीर आजम कि 2015 में जब हरियाणा में जाटों ने एहतजाज किया था तो जाटों के एहतजाज में 30 लोग मरे, 3 या 4 बच्चियों का रेप हुआ और जो कुल जायदाद प्रॉपर्टीज का नुकसान वो कितना था मालूम आपको 2000 करोड़ की जायदाद का नुकसान, डिस्ट्रक्शन ऑफ 2000 करोड़। कितनों से पैसे लिए मोदी जी? आपने लिया उन लोगों से पैसे? एक पैसा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुसलमान नहीं थे इसलिए आपने नहीं लिया। क्या ये हमारे आईन की आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? 2000 करोड़ का नुकसान हुआ जाट एजुटेशन में, एक पैसा नहीं लिया। वो एक बाबा राम रहीम जेल में है अभी, जो डिस्को डांस भी करते थे, उनको कोर्ट को लेकर गए। जब उनको कोर्ट को लेकर गए 128 करोड़ का नुकसान हुआ, एक बाद में उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लिए। बोले क्या हुआ? गुजरात में मोदी जी पटेलों का एजुटेशन हुआ, कितने पुलिस के गाड़ियों को जलाया गया? 660 पुलिस के गाड़ियों को पटेल एजुटेशन गुजरात में जलाया गया। कितने गवर्नमेंट बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा? 1822 गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। मोदी जी आपने कितने पैसे लिए? ये क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं कि गुजराती से नहीं लेंगे और मुसलमान से पैसे लेंगे? मुझे मालूम कि इस मेरे जुमले पर कल सुबह 10 बजे से हमारे मीडिया में जो मेरे ससुराल वाले हैं मेरी शादी की तैयारी करेंगे। मगर तुमको मैं पूछ रहा हूं, ये सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, मुझे मालूम कि मोदी से तुमको इतनी मोहब्बत है, इतने इश्क है तुमको कि तुमको अपने मम्मी डैडी से मोहब्बत नहीं, तुमको वजीर आजम से मोहब्बत है। मैं उन मीडिया के दोस्तों से कह रहा हूं, सच्चाई से मोहब्बत करो, नफरत है करो इसी से, हम तमाम से नफरत करो मगर सच्चाई से तो मोहब्बत करो। उन 14.5 लाख को हासिल करने के लिए मुसलमानों की जायदादों को सीज कर दिया गया, लॉक डाल दिया गया, ये कानून अप्लाई